गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी केयर एंड कूट्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने स्टाफ को मैनेज कैसे करेंगे। जी हाँ, स्टाफ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सलून के लिए। अगर आप अपने सलून को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और अपने सलून को ऐसा चाहते हैं कि मेरा जो क्लाइंट्स है मेरे सलून से खुश होके जाए, तो आपको अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा और जिससे आपका सलून बहुत अच्छा रन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गाइज, अगर आपने अभी अभी सलून स्टार्ट किया है तो ये वीडियो जो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपकी बहुत काम आएगी। क्योंकि जब हम नया नया सलून स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें। क्योंकि उससे पहले अगर आप जॉब कर रहे हैं सलून में, तो आपको क्या होता है जी, आप जॉब कर रहे हैं और आपको आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। आप सुबह गए, शाम को घर आ गए और काम किया, ठीक है। लेकिन जब आप अपना खुद का सलून स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत, हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और बहुत अच्छे से हमें अपने सलून को मैनेज करना सीखना चाहिए। आप तो बहुत अच्छे से काम करते, क्योंकि इसीलिए तो आप सलून ओनर हैं, है ना। अगर आपने अपना सलून स्टार्ट किया है तो कुछ तो सोच के आपने अपना सलून स्टार्ट किया है, और आप ये सोच रहे कि नहीं यार, मैं तो, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने सलून को बहुत अच्छे से रन कर लेती हूँ। लेकिन उसमें स्टाफ का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आपका स्टाफ कैसा है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर बार आप सलून में नहीं रहते हैं, कभी कभी आप सलून से बाहर भी होते हैं, तो आपका जो स्टाफ है वहाँ पर क्लाइंट्स को अटेंड करता है। अगर आप सलून में होते भी हैं तो आपका क्लाइंट सलून में आता है तो उतनी बार आप काम नहीं करते हैं। आप बहुत से बहुत दो क्लाइंट्स, तीन क्लाइंट्स को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सारे क्लाइंट्स को एक साथ अटेंड नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है आपका बहुत काम आएगा कि आप अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे उनको बताएंगे कि आपको क्लाइंट्स को कैसे अटेंड करना है। फ्रेंड्स, जब आप नए नए सलून स्टार्ट करते हो तो आप जब स्टाफ के बीच में रहते हैं, तो जैसे चार स्टाफ या पांच स्टाफ या दो स्टाफ ऐसे होते हैं आपके सलून में रहते हैं, तो आपको वो हर बार ये शिकायत करते हैं कि मैम, इस वाली लड़की ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वहाँ क्लाइंट्स ने ऐसा किया, वो किया, वो किया। तो बहुत सारी चीज़ें, शिकायतें उनकी होती हैं। तो आप क्या कीजिए कि एक दिन अपने सलून में उनकी मीटिंग्स रखिए। जैसे आपके सलून में थर्सडे को रसनी रहता है, तो आप थर्सडे को एक मीटिंग रख सकते हैं और उस दिन आपको बताइए, आप उनको बताइए कि कैसे हम अपने सलून को इस हफ्ते अपने सलून को रन करेंगे, अपने सलून में क्या क्या ऐसी चीज़ें रखेंगे कि जिससे हमारा काम भी बढ़ेगा और आपका भी जो काम है आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने सलून में एक दिन मीटिंग रखिएगा, जिससे आपका जो स्टाफ है बहुत अच्छे से मैनेज होके काम करेगा। सेकंड चीज़ जो होती है, जब आपका स्टाफ आपके क्लाइंट्स का कुछ काम ख़राब कर देता है, जैसे आईब्रोज ख़राब कर दी, या फिर आपका जो क्लाइंट्स का फेशियल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप उस समय अपने स्टाफ को उनके सामने डांटिए मत, ठीक है। बहुत सारे ओनर्स को मैंने देखा कि उसी समय अपने जो स्टाफ है उसको डांट लगाना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो थोड़ी सी अपने आप को, उसको बहुत बुरा लगता है कि इतने लोगों के सामने मैम ने मेरे को डांटा, ठीक है। तो उस समय आप उनको बोलिए कि आप सॉरी बोल दीजिए मैम को, ठीक है, वो, या आप बोल दीजिए कि सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और बाद में जब कोई भी क्लाइंट्स आपके सैलून में नहीं होता है, तो वहाँ उनको बताइए कि बेटा ऐसा नहीं होता, ये आपको करना चाहिए, वहाँ पर ऐसा करना चाहिए, ठीक है। उनको भी ऐसे करने से जो आपका स्टाफ है उनको भी लगता है कि यार हाँ, मेरी मैम जो है क्लाइंट्स के बीच में, मेरी मैम को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। नहीं तो अगर आप वहाँ पर स्टाफ को डांटना स्टार्ट करते हो, तो सेकंड टाइम वो दूसरी गर्ल्स को भी डांटती है। आप जब उनके सलून में नहीं, जब आप सलून में नहीं होते हैं, तो वो एक दूसरे को वहाँ पर बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पर और क्लाइंट्स भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने स्टाफ को मैनेज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ शेयर भी करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एक और वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।